नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ बेटी किचन में। आज मैं आपके लिए मूंग दाल से बनने वाली इस ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी को लेके आई हूँ। आप सोच रहे होंगे दाल से बर्फ़ी कैसे बनेगी, तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त ही मिठाई बनके तैयार हुई है। अब दाल नहीं, आप मिठाई भी बनाएंगे इस मूँग की दाल से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप सबको मूँग की दाल का हलवा बहुत ही पसंद है तो ये मिठाई बहुत ही पसंद आने वाली है और इस मिठाई को स्टोर भी कर सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होगी, 10 से 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया था और इसमें आधे कप हमने मूंग की धुली हुई दाल डाल दी है। दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया था और एक सूखे कपड़े से इसे पोंछ लिया था ताकि कोई डस्ट वगैरह ना रहे। और धीमी आँच में 5 से 6 मिनट में ही हमारी दाल भूंज के तैयार हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, गर्मी का समय है, बहुत ही जल्दी दाल भून जाएगी। भूनने के बाद इसका ना कलर सा चेंज देखेगा आपको और इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू सी आती रहेगी। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है ना परफेक्ट एकदम भूंज के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दाल को एक प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए साइड रख देंगे और फिर से वही पैन ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास दूध। तो यहाँ पे हम मावा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मिठाई बन जाएगी। सिर्फ 1 गिलास दूध से आप इस मिठाई को बना पाएंगे। दूध को मैंने इस तरह से चलाते हुए गर्म करने के लिए रख दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसमें ना चीनी ऐड कर देंगे साथ में, तो चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी। तो जितनी दाल है उतनी ही आपको चीनी लेनी है, आधे कप दाल है तो आधे कप चीनी लेनी है। तो बस इस तरह से अब हम इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। दूध में चीनी जाती है तो दूध थोड़ा पतला हो जाता है, पर हम इसे इस तरह से चलाते जाएंगे और थोड़ा सा तेज़ आंच में इसे गाढ़ा कर लेंगे। 5 से 6 मिनट बाद आपका दूध है गाढ़ा सा हो जाएगा। अब जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है तो यहाँ पे हम दाल भी पीस कर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये ठंडी हो गई है। तो इसका एक पाउडर बना के हमें तैयार कर लेना है, एकदम महीन सा पाउडर बना लेंगे इस दाल का। और देखें, इसे हमने छाना नहीं है क्योंकि हमने इसे अच्छे से पीस के तैयार किया था, कोई दाल के टुकड़े वगैरह इसमें नहीं हैं। यहाँ पर अब हमारा दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और अब हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, इतना ही गाढ़ा करना है हमें, हल्का सा। तो गैस को बंद कर देंगे, 1/4 गिलास दूध बचा होगा और 1/3 ये जल गया होगा। तो यहाँ पे अब हम इसे साइड रखेंगे और 2 चम्मच अब हम देसी घी डाल देंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया मिल्क पाउडर नहीं डाल रहे हैं, मावा भी नहीं डाल रहे हैं और कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाल रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से है, पर है बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी मिठाई। तो बस इस जो हमने दाल का पाउडर बना के रखा था, घी में मैंने इसे डाल दिया है, आँच को धीमा कर दिया है और बस इसे अब हमें चलाते रहना है और 2 से 3 मिनट के लिए फिर से भूनना है, क्योंकि दाल तो हमारी पहले भी भून चुकी थी, पर इसको दोबारा से भूनने से इसका टेस्ट जो है ना बढ़ जाएगा और भी अच्छा आएगा निखर के। तो इस तरह से मैं इसे चला रही हूँ और धीमी आंच में भूंज रही हूँ। तो बस चलाते जाएंगे और इसे भूंज लेंगे। जब दाल 2 से 3 मिनट हो जाएगा, हल्का सा आपको भूंजी सी दिखेगी और अब हमारी जो दाल है अच्छे से भून चुकी है, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप दूध लिया है, जिससे 2 चम्मच हम इस तरह से डालेंगे और इसे इस तरह से चलाएंगे, यानी कि दूध के छिट्टे टाइप लगाएंगे इसमें और धीरे धीरे करके इसी तरह से दोबारा भी हम ऐसा करेंगे जब इसे अच्छे से चला लेंगे। तो इस तरह से इसे दूध के छिट्टे लगाते जाएंगे और इसे सेक लेंगे। तो बस इस तरह से मैंने 2 बार कर लिया है और दूध के छिट्टे इस तरह से लगा दिए हैं और इस तरह से मैंने चला लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी का दूध बचा हुआ है ना वो ऐड कर देंगे। तो एक साथ अब बचा हुआ दूध डाल देंगे और जो दूध हमने गाढ़ा करके रखा है इसके बाद हम उसे डालेंगे। तो पहले जो बचा हुआ दूध था वो मैंने ऐड कर दिया है।
तो सारा दूध डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसे सेक लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो दूध हमने पका के गाढ़ा करके रखा है ना, उसे डाल देंगे। उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और स्वादिष्ट मिठाई जो है बन पाएगी। तो इसे मैंने डाल दिया है और अच्छे से इस तरह से चलाते जाएंगे और गाढ़ा कर लेंगे, यानी इसे अच्छे से भूंज के तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैं चला रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आपने ना इस मिठाई को एक बार बना लेना है ना, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बढ़िया आपको लगनी है कि आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि दाल और चीनी तो घर पे रहती ही है। तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेहमान आना है और हमें मीठे में, अगर खाना के बाद हमें मीठा देना है तो आप इस मिठाई को बना के रख सकते हैं, इतनी मज़ेदार है ये मिठाई। तो आप इसे ट्राई करिएगा, दाल से बनने वाली इस ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी बिल्कुल पसंद आने वाली है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त ये मिठाई बनके तैयार हुई है। मेरे घर में सारे लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे खाया है, बहुत ही चाव से खाया है इसे कहें, क्योंकि इतनी पसंद आई है ये। तो बस अब ये भुन चुका है, इस तरह से थिक हो रहा है, देखें कितना बढ़िया पका है। यहाँ पे मैं इलायची का एसेंस ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब देखें ये डो हमारा जो है ना, बहुत ही परफेक्ट सा पक के तैयार हो गया है, इस तरह से कंबाइंड सा हो रहा है, एकदम सूखा दिख रहा होगा। सेट होने के लिए ये पर्याप्त है, गैस को बंद कर देंगे और इसे निकालने के बाद एक ट्रे या प्लेट लेंगे, उसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे और इसी में अब हम अपनी मिठाई को सेट करने के लिए डाल देंगे। तो इस तरीके से सारी मिठाई इस ट्रे के ऊपर डालने के बाद इसे चारों तरफ से अच्छे से चिकना कर देंगे। इस मिठाई को आप 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना पंखे की हवा में, और इसके बाद इसके पीसेस कट कर लेना। तो मैंने इसे अच्छे से चिकना कर दिया है चारों तरफ से। अब मैं क्या करूँगी कि इसे पंखे की हवा में इसी तरह से छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो अभी डाल के दबा दीजिए हाथ से, तो वो भी साथ में सेट हो जाएंगे। 20 से 25 मिनट बाद हमारी मिठाई अब सेट हो जाएगी, तो मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दूँगी। चांदी के वर्क से हमारी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसी दिखने लगती है। और अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे, बहुत ही इजी तरीके से बढ़िया से पीसेस कट हो जाएंगे। तो इस मिठाई के हमने पीसेस में कट कर लिए हैं इस तरह से, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी दानेदार सी हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लग जाए तो रेसिपी को लाइक करना। अब मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम।